दोस्तों, आप अक्सर हाथी को तालाब या नदियों में नहाते हुए देखा होगा। बहुत ही मस्ती से ये नहाती हैं, देख रहे हैं आप। लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगा कि इसे घर में कैसे नहलाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ महावत लोग इसे नहला रहे हैं, जो हाथी के मालिक हैं। और ये बहुत ही मस्ती से हाथी नहा भी रही है अच्छी तरह से। इसे पहले बौड़ा देते हैं, यानी कि लेटा देते हैं। लेटाने के बाद एक पत्थर का टुकड़ा ले लेते हैं छोटा सा, उसी से रगड़ रगड़ के नहलाते हैं। जो महावत होता है इसकी बात भी मानती है हाथी। हाथी देख रहे हैं एकदम मस्ती की चाल में, एकदम आराम से पौड़ी हुई है और लोग उसे नहला रहे हैं। चार चार आदमी लगे हैं नहलाने के लिए, एकदम शांत नहा रही है, देख रहे हैं आप, रगड़ रगड़ के नहलाया जा रहा है। पत्थर का टुकड़ा है जो चिकना होता है, ताकि कोई किसी प्रकार का चोट न लगे। देखिए एकदम चिकना है पत्थर, इसी से नहला रहे हैं, रगड़ रहे हैं। देखा जाए तो ये महावत जैसा बोलेगा तो ऐसा ही हाथी करता है। महावत यानी कि हाथी का मालिक। देखिए हाथी का सूंड यहाँ से सांस ले रहा है, बीच बीच में सांसें लेता रहता है। जैसे सूंड नहीं, कोई सांप का बड़ा सा बिल हो ऐसा लग रहा है। इतनी बड़ी हाथी, इसके पैर देखेंगे तो ये नीचे का तल्ला है, जो इसी से पूरा वजन इसी में हाथी का रहता है। तो ये नीचे का हिस्सा देखिए कैसा है। आदेश मिला टूट गई, पानी ला रहा है, तीन तीन आदमी से रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।